आज धोनी ने 59 गेंद पर बनाए मात्र 37 रन। लॉर्ड्स की हार पर बोले, बुढ़ापे में अब गेंद नहीं आती है नजर, छोड़ दूंगा क्रिकेट खेलना। लॉर्ड्स के मैदान पर इंडियन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड से दूसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मैच की जीत के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी जीत के ऊपर काफी घमंड करते हुए नजर आए थे। विराट कोहली को ऐसा लगता था कि दूसरा वनडे लॉर्ड्स पर जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम सीरीज जीत जाएगी, लेकिन लॉर्ड्स के ऊपर इंग्लैंड की टीम ने पलटवार किया है और इंडियन क्रिकेट टीम को मैच में हराते हुए सीरीज को अब 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। इंडियन क्रिकेट टीम के आज एक महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने मैच में जिस तरीके से बेहद धीमी बल्लेबाजी की है, तो उसके लिए धोनी की आलोचना जरूर होनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से धोनी ने आज मैच में धीमी बल्लेबाजी करके इंडियन क्रिकेट टीम को शाम से पानी पानी कर दिया। धोनी में अब नहीं बचा कोई खास दम। आपको बता दें कि आज महेंद्र सिंह धोनी ने मैच में 59 गेंदों के ऊपर मात्र 37 रन बनाए हैं। धोनी ने आउट होने से पहले आज मैच के अंदर मात्र 2 चौके लगाए हैं। धोनी को जब अपनी और टीम की हार नजर आने लगी थी तो शायद उनको थोड़ा और अधिक तेज खेलना चाहिए था। धोनी को मालूम होना चाहिए था कि टीम के गेंदबाजों के साथ मैच नहीं जीता जाता है। धोनी ने जैसे कि आज अपनी इतनी धीमी बल्लेबाजी करके अपने 10,000 रन ही पूरे किए हैं। एक बार को तो ऐसा लगा कि जैसे धोनी आज केवल और केवल रिकॉर्ड के लिए ही खेलते हुए नजर आए। दूसरी तरफ इस हार के बाद धोनी की आलोचना करते हुए फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि अब बूढ़े धोनी को शायद गेंद नजर नहीं आती है। देखना होगा कि आगे अब अगले मैच में धोनी कैसे अपनी प्रतिभा को साबित करते हैं। विराट कोहली को शायद अब धोनी से ज्यादा बल्लेबाजी करानी चाहिए ताकि धोनी ज्यादा खेलकर मैदान के ऊपर अभ्यास भी ज्यादा कर सकें। लेकिन आज धोनी की धीमी बल्लेबाजी से धोनी के फैंस भी काफी नाराज हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ कि आप भारत की हार का जिम्मेदार किसको मानते हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।